हेलो टीम, ये लेके आया हूँ मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हो क्लासेस, टीचर्स, मैसेजेस, इनवॉइस आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। स्टूडेंट का लीडर बोर्ड आपको चेक करना है, टीचर का लीडर बोर्ड चेक करना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है वो आप कर सकते हो। क्विक लिंक्स आपको यहीं पर मिल जाएगा, इनवॉइसेस आप चेक कर सकते हो। न्यूज एंड इवेंट आपको देखने हैं, मैसेजेस आपको देखने हैं, मीटिंग्स आपको देखने हैं वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। कैलेंडर आपको देखने हैं वो आप देख पाओगे। वेलकम ऑफिस में द विजिटर्स करके है, यहाँ पे आप ओपन करोगे तो विजिटर का कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। पास्ट आईडी आपको चेक करनी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसको रिटर्न एंड पास प्रिंट भी कर सकते हो। इसके बाद विजिटर की डिटेल्स, आईडी, पासपोर्ट, टाइप ऑफ यूजर क्या है, एनकाउंटर, यहाँ पे स्कोप आप देख पाओगे, रिकॉर्ड कब का है, चेकआउट रिकॉर्ड क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको आप एडिट कर पाओगे। एज विजिटर्स करना है वो आप कर सकते हो। एक्सेल फाइल के थ्रू इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल और पीडीएफ के थ्रू। इसके बाद टेलीफोन कॉल्स का डेटा यहाँ मिल जाएगा आपको, पोस्टल कोड का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, जो भी पोस्टल कोड का डेटा रहेगा। आपको कोई पोस्टल कोड ऐड करना है वो आप कर पाओगे। कॉन्टैक्ट मैसेजेस, इन्वेस्टिगेशंस, कंप्लेन, वेलकम ऑफिस कैटेगरीज आपको अपडेट करना है, स्टैटिक पेजेस आपको अपडेट करने हैं वो आप कर पाओगे, कंट्रोल करना है पेजेस को वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसके ऑनलाइन मीटिंग में है ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन मीटिंग क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट पर क्लिक कीजिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, होस्ट सर्च करेंगे कौन होस्ट बनाना है आपको, टाइप ऑफ यूजर्स कौन रहेगा, शेड्यूल, टाइम, ड्यूरेशन डाल के आप क्रिएट मीटिंग कर सकते हो। मैसेजेस में ऑप्शन पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे आप कंपोज करना है मैसेज, कंपोज कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो। यहाँ पे मेल एंड एसएमएस के ऑप्शन है, तो सेंड मेल करना है तो किसको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मुझको टीचर्स को करना है, यहाँ पे सेंड ई बाय ई मेल एड्रेस के थ्रू करना है, तो यहाँ पे टाइटल एंड मैसेज डाल के यहाँ पे मैं सेंड कर सकता हूँ। या एसएमएस के थ्रू करना है तो यहाँ अपना मैसेज मैं टाइप करूँगा, वहाँ पे भेजूँगा मैं। इसको टाइटल क्या रखना है, ईमेल कैसे रखना है, वो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उस तरीके से आप वेरिएबल कर सकते हो। मोबाइल की नोटिफिकेशन का डेटा आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, हिस्ट्री आपको चेक करनी है हिस्ट्री चेक कर सकते हो। कैलेंडर का आ जाएगा, कैलेंडर में आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो। ये देखिए इसके शेड्यूल क्लासेस हैं, तो शेड्यूल क्लासेस का डेटा यहाँ पे आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हो। रीड करना है कैलेंडर में वो आप चेक कर पाओगे। प्रेसेंस है, तो प्रेसेंस में पार्टिसिपेट का डेटा है वो यहाँ आपका पार्टिसिपेट का डेटा डाल सकते हो। क्लास, सेक्शन नेम, सब्जेक्ट एंड डेट। उसका रिपोर्ट आपको चेक करना है। स्टाफ की अटेंडेंस है, तो यहाँ पे स्टाफ की अटेंडेंस के पार्टिसिपेट है, उसका डेट हम सेलेक्ट करेंगे। आप आज का मैंने रखा, यहाँ पे ऑन किया, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो नोट रजिस्टर है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इसको। यहाँ पे ऑप्शन पूरे दिए हुए हैं, ये देखिए प्रेजेंट करें तो यहाँ पे आप कर पाओगे। ये देखिए एम, ये टाइम पे यहाँ पे चेकआउट का टाइम आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिपोर्ट चेक करनी है, वेकेशन की रिक्वेस्ट, वेकेशन करना है आपको, अप्रूव की हुई है आपने हॉलीडे, आप सेल्फ हॉलीडे की भी चेक करना चाहते हो, हॉलीडेज में जाके वो चेक कर पाओगे। लाइब्रेरी में आप यहाँ पर प्रॉब्लम बुक देखनी है, रिटर्न बुक देखनी है, ऑल दी बुक्स आपको यहाँ पर चेक करनी है, सब्सक्रिप्शन चेक करना है लाइब्रेरी का वो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे पूरा। आपको यूजर सेलेक्ट करना है, इन्हें सर्च करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। द एम्प्लॉय में आपको एम्प्लॉय का डेटा यहाँ मिल जाएगा, आपको एड एम्प्लॉय करना है, यहाँ पे आपको एक बार डिटेल फिल करनी होगी, एम्प्लॉय आपका बन जाएगा। परमिशन क्या देनी है, परमिशन में आप जा सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएंगे रोल्स, जो भी रोल की परमिशन आप लोगे वो हो जाएगा। टीचर्स बना सकते हो, डिपार्टमेंट यहाँ पे बना पाओगे। स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का एडमिशन आपको दिखाना है वो आप कर सकते हो, कैटेगरी हो जाएगा स्टूडेंट का। स्टूडेंट के एडमिशन में आपको ये डिटेल्स फिल करनी होगी, आईडी, रोल नंबर क्या रहेगा वो, बाकी की चीज़ें, बायोमेट्रिक आईडी क्या रहेगी वो डिटेल्स, स्टूडेंट का एडमिशन क्या रहेगा, मेडिकल हिस्ट्री, वो चीज़ आप अपडेट कर सकते हो, यहीं से हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, पेरेंट जितने भी आपने बनाए हैं, जितने भी ऐड हुए हैं, आप यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एथिक अप्रूवल देख सकते हो, ऐड पेरेंट हो जाएगा। ग्रेड लेबल आ जाता है, तो यहाँ पर ग्रेड लेबल आपको ऐड करना है वो आप कर सकते हो, यहाँ पर ग्रेड लेबल हो जाएगा। स्टडी मटेरियल आ जाता है, तो यहाँ पे ऐड मटेरियल करके आप मटेरियल ऐड कर पाओगे स्टडी का। होमवर्क्स का है, यहाँ पे आप ऐड हो टास्क कर सकते हो, होमवर्क जो भी आप ऐड करोगे वो हो जाएगा। असाइनमेंट आ जाता है, असाइनमेंट आप यहाँ पे ऐड असाइनमेंट कर सकते हो।
एग्जाम के लिए सब कुछ चेक करनी है, एग्जाम आपको डालना है ऑनलाइन एग्जाम से, उसका डेट आपको चेक करना है, यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आप यहाँ पे एज क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसका फॉरम न्यूज है तो फॉरम न्यूज आपको चेक करनी है, इवेंट्स आ जाते हैं तो इवेंट्स आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, जितने भी आप इवेंट आपने ऐड किए होंगे, आपको कोई इवेंट ऐड भी करना है यहाँ से ऐड हो जाएगा इवेंट। ओके माई पेरोल्स है तो यहाँ पे आप पेरोल्स मैनेज कर पाओगे, पे बुक है तो यहाँ पे बाकी के पे बुक में आप चेक कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। मेरे का पेमेंट करना यूजर्स की सैलरी आ जाता है, सैलरी का बेस क्या रहेगा, हाली बेस क्या रहेगा वो आप कर पाओगे। अकाउंटिंग में आप यहाँ पे इन्वाइस आ जाते हैं, टू इन्वाइसेस है, फीस को इन्वाइस है, फीस का टाइप, फीस का एलोकेशन, टैक्स डिस्काउंट आपको डालना है, यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस की कैटेगरी मैनेज कर पाओगे, इनकम में इनकम की डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे, रेवेन्यू कैटेगरी यहाँ पे डाल पाओगे, ये रही। इन्वेंचरी आ जाता है, इन्वेंचरी में आप इश्यू रिटर्न का डेटा आपको यहाँ पे चेक करना है, अपडेट करना है, आइटम स्टॉक, इन्वेंचरी कैटेगरी, प्रोवाइडर्स कौन है आपके स्टोर से, कोडिंग ऑफ आर्टिकल आपको मैनेज करना है, क्लासेस हैं, क्लासेस सेक्शन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लास का नेम, क्लास टीचर डालिए कौन है, इसके बाद एसोसिएट सब्जेक्ट कौन रहेगा, क्लास की डॉर्मेटरी आप सेलेक्ट कीजिए, देन है वो ऐड हो जाएगा, सेक्शन और सब्जेक्ट आपको डालना है वो यहाँ से हो जाएगा, हॉस्टल्स हैं हॉस्टल की कैटेगरी यहाँ से बना सकते हो, ट्रांसपोर्ट का है ट्रांसपोर्ट देख पाओगे, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स बनाने हैं, यूजर्स कौन रहेगा ट्रांसपोर्ट का वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। सर्टिफिकेट का आ जाता है, सर्टिफिकेट आपने जो भी बनाए वो आपको यहाँ और आप सर्टिफिकेट करके सर्टिफिकेट बना पाओगे, इमेजेस एंड सब डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, उसके बाद पूरा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड है तो वो आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकते हो, रिलेशनशिप से तो रिलेशन यूजर का स्टेटस में आपको चेक करना है, बाकी चीज़ें आप चेक करनी है वो पूरा आप यहाँ से कर सकते हो, ये देखिए। उसके बाद सी एम एस फ्रंट एंड को मैनेज करना है, सी एम एस फ्रंट एंड कंट्रोल पेजेस हैं, कंट्रोल पेजेस में आपको चेंजेस करने हैं, और एडमिशन टास्क में आपको यहाँ पे अकेडमिक ईयर आपको अपडेट करनी है, प्रमोशन डालने हैं, प्रमोशन के टाइप आप मैनेज कर सकते हो, मेल एंड एस एम टी पी का है वो आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, आपको एड टेम्पलेट करना है वो कर सकते हो, सर्विस आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, एड पोल कर सकते हो, डॉर्मेट्री सब यहाँ पे कर सकते हो, डॉर्मेट्री आप यहाँ पे ऐड भी कर पाओगे, नेम एंड डिस्क्रिप्शन डालना होगा हमको, जनरल सेटिंग्स में आपको चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर सकते हो, पेमेंट गेटवे जो हम यूज़ कर रहे हैं पेपाल यूज कर रहे हैं, टू चेकआउट कर रहे हैं पे यू मनी और पे स्टैक आपको जो यूज़ करना है आपकी डालिए पूरा बल्कि रहेगा, करेंसी सिम्बल्स आपको अपडेट करना है, मेल सेटअप आपको करना है, मेल सेटअप यहाँ पे हो जाएगा, पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं। एस एम टी पी यूज करना है आपको तो यहाँ पे आप एच टी टी पी की डाल सकते हो, एस एम टी पी की डाल सकते हो, उसमें जो भी आपको यूज़ करना है वो आप कर पाओगे, स्टूडेंट के एब्सेंस डिटेल्स आपको यहाँ पर कैसे रखना है, एग्जाम का नोटिफिकेशन, टू इनवॉइस वो आपको मैनेज करना है, वैकेशन की सेटिंग्स, मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा देखना है, सी एम एस देखना है, बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन किसके थ्रू करना है वो हम यहाँ पर डिवाइस डाल सकते हैं, जूम इंटीग्रेशन भी है इसमें, जूम की पे लग जाएगी और जूम के थ्रू इसमें पूरा वर्किंग रहेगा। ओके लैंग्वेज है तो मल्टी करेंसी को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर लैंग्वेज है वो आप ऐड अरेंज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आप यहाँ पे पूरा डेटा चेक कर पाओगे, आपको ऐड करना है वो आप कर पाओगे, ऑथराइजेशन रूल्स में आप यहाँ पे रूल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, न्यू रूल्स बना सकते हो, उसको परमिशन दे पाओगे। यहाँ पे रोल का टाइटल डिस्क्रिप्शन डालिए और यहाँ पे उसको परमिशन दे दीजिए, जो जो परमिशन उसको देना है उस परमिशन के थ्रू रन कर पाएगा। तो इसमें बताने के लिए इतना ही है, तो कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो या फिर हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।